दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माई। जिस तरह से जान रहे हैं कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर आज विभिन्न क्षेत्रों में गए और इस क्षेत्र के बाद में हम बात करें तो सीतामढ़ी से सटे कुछ ग्राम हैं जहां पर आज बाजार लगा हुआ है। हम ऐसे लोग से मिल रहे हैं कि आखिर ये लोगों का क्या भी हुआ, किन को वोट देना चाह रहे हैं। आइए, क्या नाम है आपका? किशन जी, क्या इनको लग रहा है किस बार वोट देना? किन को? मोदी जी को। किस मतलब क्या सोच के मोदी जी को वोट देना चाहते हैं? उनको जो है अपन कर रहे हैं अपने किसानी का, इनका इनका मतलब क्या किसानी में क्या दिया? पहले दिक्कत होता था किसानी करने में, कभी नहीं, तो फिर उनको क्यों देना चाह रहे हैं? वो तो हम लोग का मर्जी का बात है, जिसको मर्जी होगा उसको देंगे। बंगले बात, इस बार क्या मर्जी है आपका? कुछ मर्जी तो मर्जी हमारा ना, के बाद क्या लग रहा है किसको वोट मिलना चाहिए, किसको वोट मिलना चाहिए? कुछ नहीं, वोट हम लोग का जो एक वोट का मालिक है, दूसरी है जहाँ मर्जी होगा वहाँ दे देंगे। अच्छा, हम अपना मर्जी क्या मानते हैं? वो हम आपको कहे बता देते तो फंड दे, हम वो नहीं बताए। एक तरफ अर्जुन राय खड़े हैं, एक तरफ है तोरा चुप, दो मिनट। दोनों में से कौन उम्मीदवार आपको अच्छा लग रहा है? हमको सब उम्मीदवार अच्छे लग रहा है। अच्छा, वहाँ सीट पर जब जाने के बाद सब एक हो जाता है। अच्छा, समझ क्या लग रहा है? ये भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या भैया, क्या लग रहा है सीतामढ़ी को किसका सांसद आने के बाद? ओ भाई, उ तो जे है ना जे वोट देवे से जाने जे है, हम सब ना वोट देते हैं। वोट देते हैं? वोट क्यों नहीं देते? उस तो कारण पहला वोट दे, वोट देवे से कौन फायदा जे है? वोट दा तैयो सर के पर हता, ना वोट देवा तैयो सर के पर। क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? वोट लेकर जाना, कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाए के चाहे कोई लंदन थोड़ी जाते हैं, अपने देश में अगर हर चीज मिलते जाए लोग लंदन जाए के कौन जरूरत है? अभी लेकिन तो वोट दिए होंगे ना, अभी ले अभी तो वोट दिए होंगे, अभी ना कभी बहुत देर हो चुके हैं। इस बार क्यों नहीं वोट देना चाहते? ऐसा ही अपना मन के मान दीजिए, एक तरफ तो अर्जुन राय जी खड़े हैं, एक तरफ जमेश्वर ठाकुर से 14 कैंडिडेट खड़े हैं। अगर महा दो गठबंधन की बात करें, उसमें से दो कौन अच्छा लगे? कौन अच्छा लगे? कोई चाचा आपको कौन अच्छा लग रहा है? आप नहीं बताइए, आपको कौन लग रहा भैया? अच्छा अच्छा, कितने साल के हो गए आप? जो घर कहाँ है? वोटर कार्ड अभी बना? क्या नाम? नाम नहीं, नाम बताने में क्या रहा? संतोष कुमार है। संतोष कुमार, संतोष जी इस बार तो चुनाव में वोट देना है किसी को? ललटेन साहब। ललटेन साहब, ललटेन को क्यों देना चाहते हैं? मोदी जी का चारों किस बात प्रधानमंत्री के दावेदारी आप हंगामा हो मतलब खास तौर पर ये कैसे बता दे, मेरा मन क्या मान दिया, जिसको मन होगा उसको ना देंगे। भारत का विकास करना कि नहीं करना, सीतामढ़ी का विकास होगा या नहीं होगा? ललटेन साफ होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो बस हो गया, यही बोल रहे थे। किसी का तो विकास करना है ना, अपने सीतामढ़ी में रहना तो क्राइम विरोध क्राइम खत्म करना है, अपने यहाँ रहना है तो विकास होगा कि खत्म करना होगा? अच्छा, क्राइम होगा, होगा ना विकास? अच्छा, होगा हो रहा है कि बंद है बताइए? मोदी साहब कहे थे सबको 15-15 लाख रुपए, 50 लाख मिला है, सीतामढ़ी में इतना का काम, 50 लाख मिला है, बात बना के।
तो क्या लग रहा है चौदह उम्मीदवार प्रमुख रूप से दो है दो गठबंधन है एक इंडिया गठबंधन एक एनडीए गठबंधन दो उम्मीदवार इस दोनों में से कोई आपको अच्छा लगता है तोहन के चिल में छाप रहा था कोई बात नहीं हम लोग के नजर में जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा तुमको वोट मिलना चाहिए देवेश्वर ठाकुर जी लगभग 22 साल से उन्होंने कोई काम किया हाँ 22 ग्राम ज्यादा हो रहा है मतलब एक टाउन में 30 ग्राम क्या काम किए नहीं 24 हम लोग को तो नहीं पता मतलब इस आपका इस तरह लगातार अरविंद जी तरफ जा रहा है विकास के नाम अर्जुन राय अच्छा नेता है हम ये कहेंगे अब इशारा ये नहीं है कि अब देवेश चंद्र जी गड़बड़ नेता है ऐसा हम नहीं करें हम लोग नहीं देखे उनको काम करते हुए हमारे नहीं है लेकिन अर्जुन जी को देख के काम करते हैं अर्जुन जी यहाँ 5 साल विधायक थे तो अभी भी यहाँ उनका शिलान्यास हुआ है वहाँ पति होगा ही और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है कर रहा है क्योंकि कई ऐसे दुकानदार हैं कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपनी बात की चार रहे इस बार विकास होना चाहिए सीतामढ़ी को लिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए किसको चाहते हैं यहाँ का यहाँ का तो बीजेपी के बीजेपी के बीजेपी का तो उम्मीदवार नहीं है जदयू के उम्मीदवार अब कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ तो 22 साल तक एमएलसी रहे हैं रविशंकर ठाकुर जी तो उन्होंने काम नहीं किया तो फिर अब भर इसी बात ठीक है हम लोग श्री राम के भक्त मनसा इसलिए श्री राम के लिए मतलब भगवान के नाम पर वोट देंगे मतलब काम के नाम पर तो फिर काम क्यों बोलेंगे काम नहीं हुआ जब काम होगा ऑटोमेटिक होगा ना श्री राम के नाम से होगा तो आज में राम मंदिर बना है ना उसी तरह यहाँ भी बनवे करेगा मतलब मंदिर के नाम पर वोट देंगे विकास के नाम पर विकास ऑटोमेटिक होगा आज जो भी विकास हुआ है पूरे आपने कहा कि विकास अभी तक हुआ ही नहीं कभी तक जो सांसद आए वह नहीं किए अब जो सांसद आएंगे वो विकास करेंगे एमएलसी तो रहे ना 22 साल एमएलसी रहे एक दो साल तो रहे नहीं सांसद भले ही 5 साल रहे लेकिन एमएलसी 22 साल रहे तो उनका तो काम आप देखे होंगे ना एमएलसी का जो है सो निर्विरोध ही है यहाँ से जीते हुए इनका कोई फंड नहीं मिला तो पड़ेगा निर्विरोध कैसे रहेंगे निर्विरोध थे ना अरे कई बार उम्मीदवार पिछले बार यार जदयू के उम्मीदवार थे ऐसे कैसे बोल नहीं नहीं जदयू के उम्मीदवार थे हम जदयू के उम्मीदवार तो देवेश चंद्र ठाकुर जी विपक्ष में आरजेडी के उम्मीदवार थे तो निर्विरोध नहीं चुने गए थे उन्होंने लड़ाई लड़ी तब जाके वो जीते 22 साल तक लगातार जीतते आए उनका समर्थन लोगों ने दिया तब तो कुछ तो काम जानते होंगे आपके लिए आपने कहा कि काम ही नहीं हुआ है काम नहीं हुआ कि इस बार जो आएंगे मैं जो एनएससी आएंगे वो काम करेंगे उसको हम भी जानेंगे।